हेलो एवरीवन। तो आज हम मेहरौली तीसरी बार आए हैं और अभी हम पहले तो कौन सी मस्जिद गए थे? मांडी मस्जिद। अभी पहले हम रास्ते में पड़ी हमको मांडी मस्जिद और फिर रास्ते में जैन मंदिर था एक, ये हमारे पीछे जैन मंदिर है। अभी हम उसमें गए तो अभी गार्ड था तो उसने हमसे सवाल पूछा कि अंदर कहाँ जा रहे हो, तो मैं थोड़ा हेजिटेट हो गया बताने में कि मैं अंदर ही जा रहे हैं बस ऐसे घूमने। तो उसने हमें कहा कि जल्दी जाओ और जल्दी आओ, मतलब ये गलत बात थी उसकी, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि इंप्रेशन गलत पड़ता है लोगों पे। फिर हमने भी ज़्यादा गौर नहीं किया तो जल्दी गए, जल्दी आ गए। तो उसके बाद हमें जाना था जाफ़र महल के लिए, तो रवि ने फ़ोन में लोकेशन ऑन करी और हम वहाँ पे गए। वहाँ पर पहुँच तो गए लेकिन वहाँ पे जो आसपास के लोग हैं उनको भी नहीं पता कि जाफ़र महल है कहाँ। और यहाँ बगल में ही एक जहाज महल भी है जिसमें हम लास्ट वीडियो में हम गए थे, तो लोग उसके बारे में बता रहे थे कि उसका इंट्रो दे रहे हैं कि वो तो पता है लेकिन जहाज महल का नहीं पता, जबकि जहाज महल एक अगली गली में था सिर्फ, और लोगों को पता नहीं कि वो यहीं पर है। और जैसे ही हम जाफ़र महल के अंदर एंटर हुए तो रवि ने बैग जो है क्या बोलते हैं जैन मंदिर के अंदर ही छोड़ दिया था। तो जैसे ही मैंने उससे मांगा कि मुझे ट्राईपोर्ट दे, तो ट्राईपोर्ट दे कहाँ से देगा जब उसके पास बैग ही नहीं था। तो सडनली हम वापस आए भागे भागे और बैग हमें वहीं पर रखा हुआ मिला, चिंता की कोई बात नहीं है कि कोई सामान गायब नहीं था। तो हमने बैग उठाया और हम वापस से जा रहे हैं जाफ़र महल की तरफ। तो जाफ़र महल के बारे में आपको कुछ बताऊंगा। जो जाफ़र महल है वो मुग़ल कालीन का एक आखिरी जो नमूना होता है, जो आखिरी बिल्डिंग होती है, ऐतिहासिक रूप से एक आखिरी इमारत है वो मुग़ल काल की। लेकिन अगर आप उसको एक इतनी बड़ी प्रायोरिटी के रूप में देखोगे कि एक आखिरी जो निशानी होती है किसी भी चीज़ की, किसी भी समुदाय की, किसी भी लोगों की, उसको बड़ा संजो के रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ही उल्टा कर रखा है। उसकी 0% केयर कर रखी है और वहाँ पे लोग बाहर पेशाब करते हैं और लोगों को पता ही नहीं कि यहाँ पे जाफ़र महल है भी। मतलब बड़ा दुख होता है ये देख के, मतलब जो हम टूरिज़्म को इतना प्रमोट करते हैं कि भारत आओ घूमो, भारत भ्रमण करो, लेकिन अगर सपोज़ कि कोई फ़ौरन बंदा यहाँ पर आकर देखता है कि जो मुग़ल सल्तनत जिसने भारत पर 300 साल राज किया उसकी एक आँख निशानी को इस तरीके से रखा गया है, जिन्होंने भारत में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई उनका अंत कुछ इस तरह हुआ कि उनकी जो आखिरी इमारत है उसको भी ढंग से नहीं रखा जा रहा है, तो बड़े दुख की बात है ये। अभी मैं जा रहे हैं उसी तरफ, आपको भी दिखाएंगे कि क्या हाल कर रखा है जाफ़र महल का। जाफ़र महल बौरंग क्या बोलते हैं अकबर सेकंड ने बनवाया था और उसकी जो पूरी अच्छी तरीके से दोबारा उसको रिनोवेट करवाया था बहादुर शाह जफर सेकंड ने करवाया था। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि अगर मैं मरूं तो मुझे इसी में दफनाया जाए, लेकिन वो उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी अंग्रेज़ों ने और वो उनकी मृत्यु कहीं और हुई तो उनको कहीं और दफनाया गया था। वो जगह भी दिखाऊंगा आपको मैं भी, वे जा रहे हैं उसी तरफ, स्टे ट्यून। ये जो है अभी हम मेहरौली गांव के अंदर आ गए हैं, ये रास्ता है जाफ़र महल की तरफ जाते हुए, और मतलब जो रास्ता है आपको लगेगा इन्हीं के जाफ़र महल की तरफ ऐसा जा रहा है क्योंकि बिल्कुल रिहायशी इलाका है, लोग वो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल इलाके की तरह है, जिस तरह से आप कॉलोनी में रहते हो बिल्कुल वैसा ही माहौल है। और अब आगे का रास्ता देखिए, आप देख के सोच भी नहीं सकते कि इन जगहों के बीच में इतनी बड़ी जो मुग़ल काल की बिल्डिंग है वो इन जगहों के बीच में लुप्त हो गई है। लुप्त ही मान लो उसको, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं यहाँ पे है क्या नहीं है, वो बिल्कुल ही लुप्त हो गई है। पहले मुझे लगा था कि ये है जाफ़र महल, लेकिन फिर पता किया तो ये जाफ़र महल नहीं है, जाफ़र महल से थोड़ी सी दूर है बस, दो गली मुड़ने के बाद इस तरफ। ये रास्ता है जाफ़र महल की तरफ जाते हुए, और मैंने यहाँ पे लोगों से पूछा तो उनको पता भी नहीं जाफ़र महल के बगल में ये बिल्कुल सामने वाली जो दुकान है आप देख रहे हो, मैंने उन्हीं से पता किया तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे जाफ़र महल तो नहीं है लेकिन हाँ एक जहाज महल है, उसके बारे में पता है लोगों को। तो हमने किसी इन अंकल से पूछा था, इन्होंने बताया था हमें जाफ़र महल का रास्ता, इन अंकल जी ने कि कहाँ पर है। और ये जो भाई बैठे हैं इनको तो पता भी नहीं जाफ़र महल किस तरफ है।
तो ये था आपका जाफर महल जो अब लुप्त हो चुका है, विलुप्त हो चुका है बिल्कुल, लोग उसके बारे में बातें भी नहीं करते हैं। बट मैं बताऊं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस, तो मुझे बड़ा अजीब लगा इसके बारे में कि तो ये जब सब देख के हमें बड़ा अजीब लगा कि इतनी बड़ी सल्तनत होने के बावजूद, हाँ इतनी बड़ी सल्तनत होने के बावजूद इसका ये हाल हो चुका है। लोगों ने, लोगों को छोड़ो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है, कुछ नहीं किया है। मुगल साम्राज्य का अंत है ये जो आप देख रहे हो। जो 1857 की क्रांति के बाद बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था, कि अंत आपको कुछ इस तरह दिखेगा। थैंक यू गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और अगर आपको जाफर महल देखना है तो मेहरौली गांव के अंदर जरूर आना, आपको ये अभी भी यहीं मिलेगा। शायद आप थोड़ा, आप अगर और लेट आओ तो हालत और खस्ता हो चुकी होगी इसकी, अभी भी खस्ता ही है, उसके बाद और खस्ता हो चुकी होगी। तो आना ज़रूर अगर मन चाहे तो, अगर आप हिस्ट्री लवर हो तो देखना ज़रूर कि मुगल काल का अंत कैसे हुआ, आपको दिख जाएगा यहीं पर। थैंक यू सो मच।